लिख के ले लेते हैं कि क्या समझ। अध्यक्ष हूँ और आज जो यहाँ आप देख रहे हैं इतने चालक भाई यहाँ खड़े हैं, सुबह से आपने देखा भी होगा काफी पैसेंजरों को परेशानी हो रही है। ऑटो टैक्सी अंदर नहीं जा रही है और पैसेंजर बाहर आ रहे हैं, यहाँ भी उनको टैक्सियां नहीं मिल रही है। इसका मुख्य कारण ये है, जो एग्रीगेटर कंपनियां हैं, पहली बात ये इलीगल चल रही है, जो भी हमारे ड्राइवर भाई है उनको भरपूर किराया नहीं मिल रहा। दूसरा, इन कंपनियों के माध्यम से प्राइवेट व्हीकल, चाहे वो मोटर बाइक हो, स्कूटी हो, प्राइवेट कार हो, इन्होंने अपने ऐप पे सबको जोड़ लिया है। अब उसकी वजह से जो ऑटो वाले हैं या टैक्सी वाले हैं उनका व्यवसाय खत्म हो रहा है धीरे धीरे। तो जब आज पानी सर से ऊपर हो गया तो हमने दो दिन की कॉल दी हुई है, 22 और 23 की। अगर सरकार या कंपनियां इस ओर ध्यान नहीं देती है तो ये आगे भी बढ़ेगी। पहली बात, हमारी मुख्य मांगे यही है कि ये जो ऐप बेस्ड कंपनियां हैं, ये जो ओला उबर रैपिडो, ये जो गाड़ियां अटैच कर रही है मोटरसाइकिल प्राइवेट, इनको बंद करें, इनको अपने सिस्टम से हटाएं, नहीं तो इनकी कंपनियों के कार्यालयों पे भी ड्राइवर धरना देंगे। गलत तो नहीं कह रहा भैया? आज इनकी हालात देखिए, एक ऑटो 5 लाख रुपए का आता है, एक टैक्सी 10 लाख रुपए की आती है, 20-20 हजार रुपए इनकी इंस्टॉलमेंट्स हैं। हम सरकार को टैक्स पेयर लोग हैं, हम चलते हैं तो 2 रुपए पर किलोमीटर इस रोड पे चलने का भी देते हैं। कमर्शियल व्हीकल की इंश्योरेंस कराते हैं, सबसे महंगी हमारी होती है। रोड टैक्स भर रहे हैं, सब कुछ भर रहे हैं, उसके बावजूद भी हमारा रोजगार छीना जा रहा है। इसलिए 2 दिन का स्ट्राइक है और ये सारे ड्राइवर भाई यहाँ खड़े हैं और ये अभी 2 दिन तक बराबर ऐसे ही चलेगा। ले लो, फिर पब्लिक के ले लेते हैं।